अप्रैल से चीन आयात की हुई सोयाबीन के अपने स्टॉक से 5 लाख टन सोयाबीन की बिक्री करेगा। चीन यह बिक्री नीलामी के जरिए करेगा। दुनिया के सोयाबीन के सबसे बड़े खरीदार चीन ने यह कदम घरेलू बाजार में सोयाबीन की तंग सप्लाई को देखकर उठाया है। USDA से मिली जानकारी के अनुसार सोयाबीन खली की बढ़ती डिमांड और सीमित उपलब्धता के चलते चीन के 2022-23 में रिकॉर्ड 100 मिलियन टन सोयाबीन आयात करने की उम्मीद है। चीन में सोयाबीन की खपत बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन खपत के मुकाबले उत्पादन इतना नहीं जिससे चीन को आयात करना पड़ता है। USDA के मुताबिक मुख्य रूप से पशु चारा क्षेत्र से तिलहन की मांग घरेलू उत्पादन से आगे बढ़ रही है, जिसके लिए चीन को बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता होगी। USDA का कहना है कि सुअरों के बढ़ते लाइव स्टॉक और उच्च पोल्ट्री उत्पादन क्षमता से 2022-23 में चीन से सोया खल की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल चीन में कोरोना फिर से अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, जिससे चीन में कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि चीन की तरफ से सोयाबीन की मांग में कुछ कमी देखने को मिले, लेकिन कुल मिलाकर लंबी अवधि में सोयाबीन में रुझान तेजी वाला ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।